तो आप लोग यार हमेशा से पूछते रहते हो कि भाई टाटा पंच का माइलेज कितना है, कितना माइलेज आपको मिल जाता है सिटी में, कितना माइलेज आपको मिल जाता है हाईवे पे। तो आप देखिए, टाटा पंच में बैठा हुआ हूँ। यह है एडवेंचर रिदम पैक और 2022 का मॉडल है। अभी 2024 चल रहा है, करीब 2.5 साल हो गए हैं मुझे इस गाड़ी को लिए हुए। और कल दोस्तों, कल अर्ली मॉर्निंग में निकलने वाला हूँ गाजियाबाद से अपने होम टाउन के लिए, जो कि करीब 750 किलोमीटर का ट्रेवल होने वाला है। तो आपको मैं टैंक टू टैंक माइलेज इसका चेक करके दिखाने वाला हूँ। तो अभी शाम हो रही है, शाम के आप देख सकते हो 7:37 हो रहा है, जो कि सुबह जल्दी निकलना है। तो मैं अभी आ गया हूँ पेट्रोल पंप पे और यहाँ पे टैंक फुल कराते हैं। आप अभी देखिए तो इसका पेट्रोल कितना रह गया भाई, 1 मिनट। आ जा आ जा आ जा। तो आप देख सकते हो कि इसका पेट्रोल ऑलमोस्ट आप देखिए ख़त्म है, लो फ्यूल दिखा रहा है यहाँ पे। इसमें 35 लीटर का टैंक आता है। तो चलते हैं, पेट्रोल पंप हमारे सामने इंडियन ऑयल का, तो यहाँ पे चलते हैं और पेट्रोल फुल कराते हैं। मैं यहाँ पे ऑटो कट पे रखने वाला हूँ, क्योंकि ऊपर तक बिल्कुल भरना मैं रिकमेंड नहीं करता, तो मैं ऑटो कट पे रखने वाला हूँ। थोड़ा बहुत यार आधा लीटर का फ़र्क इधर उधर आता है, अगर फुल कराते हो और ऑटो कट पे चलते हो तो उतना आप एडजस्ट कर लेना, आपको ऑलमोस्ट इसमें एग्जैक्ट माइलेज ही मिलेगा। तो चलो चलते हैं पेट्रोल पंप पे और पहले पेट्रोल फुल कराते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। भैया फुल कर देना फुल। तो दोस्तों हम लोग यहाँ फुल कराने वाले हैं अभी। हाँ ठीक है भैया। तो दोस्तों अभी 16 लीटर आ गया है, देखते हैं कितना पेट्रोल आता है इसमें। बस करो भैया रहने दो, बस बस 25 लीटर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने पेट्रोल अपना फुल करा लिया है, पीछे ही ये अपनी रही पेट्रोल पंप, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ से हमने पेट्रोल फुल कराया और हमारी गाड़ी में कुल 25 लीटर पेट्रोल आ गया है और 2378 रुपीज़ का पेट्रोल आया है अभी टोटल। और एक बार हम ट्रिप भी थोड़ा सा अपना दोनों जीरो कर लेते हैं, ऑलरेडी मैंने कर दिया है, फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप ये देखिए, यहाँ से अगर हम जाएंगे तो अपनी ट्रिप ये आप देखिए हो गई है जीरो, ट्रिप भी हमने कर दिया है जीरो। और अभी आप टाइम देखिए 7:45 हो गया है। तो आप फ्यूल गेज देखिए कम्प्लीटली फुल हो गया है। तो अभी गाड़ी में पूरा फुल पेट्रोल है। अब यहाँ से हम चलते हैं घर और सुबह सुबह आपसे मिलते हैं सीधा रोड पे। सुबह के बज गए हैं 8 और आपको मैंने कल दिखाया था रिफिल कराते टाइम, तो 13.2 का माइलेज अभी दिखा रहा है। 13 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, बिकॉज सिटी में चली है तो माइलेज कम दिखा रहा है। और हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। अभी मैं गाजियाबाद में हूँ और यहाँ से निकलते हैं सीधा यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और जो भी माइलेज का अपडेट होगा बीच बीच में आपको देता रहूँगा कि MID में कितना दिखा रहा है। तभी 13.4, समय 8 बजे और किलोमीटर 13। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे पे पहुंच गए हैं और अभी समय हो गया है 9:03। और अगर मैं आपको माइलेज अभी का दिखाऊं तो इसमें एक बार आपको मैं दिखाता हूँ, 49 किलोमीटर अपनी गाड़ी चल चुकी है और 15.3 का माइलेज दिखा रहा है, जो हमारा 13 का था। अभी 2 किलोमीटर का माइलेज इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी कम मिला हमें रास्ते में और 1 घंटा हमें लग गया यहाँ तक आने में घर से। तो यमुना एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं। अब यहाँ पे स्पीड लिमिट है 100 और हम लोग 100 के आसपास ही चलेंगे, इस पे अपना माइलेज आगे और इम्प्रूव हो जाएगा फॉर श्योर। अभी 15.5 का दिखा रहा है, बाकी टैंक टू टैंक क्या निकल के आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों चलते चलते हम लोग रुक गए थे यहाँ पे, आप लोग देखिए एक स्टॉप है जन सुविधाएं वाला, वॉशरूम्स वगैरह यहाँ पे हम लोग अभी आ गए हैं होकर के, और थोड़ा सा कुछ चिप्स वगैरह भी ले लिया।
वैसे खाने पीने का सामान अपने पास सही है, बाकी एक बार मैं आपको दिखाता हूँ टाइम, आप लोग देखिए हो गया है 10:20, गाड़ी अपनी चल चुकी है 147 किलोमीटर और अभी माइलेज अपना दिखा रहा है एग्जैक्टली 18 km/h का, तो 18 दिखा रहा है तो आई थिंक 16.5 समथिंग तो इसका एज नो एक्चुअल अभी आ रहा होगा। तो स्पीड गाड़ी की 100 से नीचे ही है, 100 से ऊपर नहीं चल रही है बिकॉज आप देख रहे हो कि बारिश कंटिन्यूस हमें मिल रही है, गाजियाबाद से लेके यहाँ तक में बारिश मिल रही है, तो 100 से ऊपर नहीं जा रहे हैं हम लोग, बेसिकली 90-95 इसी स्पीड चल रहे हैं। तो माइलेज उस हिसाब से 18 है, थोड़ा मुझे लग रहा है और होना चाहिए था बट आई डोंट नो, 18 से ऊपर नहीं जा रही है। आगे चलते हैं, अभी तो काफ़ी और कवर करना है। मैं सोच रहा हूँ कि 300 किलोमीटर के बाद इसका पेट्रोल रिफ़िल कराऊंगा, तो अभी 150 होने वाला है तो 150 और चलाते हैं, उसके बाद फिर उसको रिफ़िल कराते हैं, फिर देखते हैं कि एक्चुअल माइलेज क्या निकल के आता है। तो चलिए यहाँ से बढ़ते हैं आगे। दोस्तों बारिश देखो कितनी भयंकर हो रही है, और हम लोग जब से गाजियाबाद से चले हैं तब से हमें बारिश मिलना शुरू हो गई है। तो अभी देखिए 11:50 करीब हो गए हैं और यहाँ पे देखिए 11:52 एग्जैक्टली, और गाड़ी अपनी चल चुकी है अभी 279 किलोमीटर, माइलेज कम होके हो गया है 17.7। उसका रीज़न फ्रेंड से है कि बारिश हमें कंटिन्यूस मिल रही है, जब से हम लोग गाजियाबाद से निकले हैं तब से लेके अभी तक कंटिन्यूस बारिश मिल रही है, और इसीलिए माइलेज मुझे लगता है काफ़ी रिड्यूस हो गया है। अदरवाइज अभी तक हमें 19 प्लस का माइलेज दिखाती है गाड़ी, लेकिन बारिश की वजह से कम 2 किलोमीटर/L का माइलेज कम हुआ है। तो आज जो भी माइलेज निकल के आएगा वो तो थोड़ा सा डाउन साइड पर रहेगा, बिकॉज आप देखो ना इतने भयंकर बारिश में यार गाड़ी 3 घंटे से चल रही है, तो माइलेज पर इफेक्ट तो पड़ेगा ही। बाकी चलिए बढ़ते हैं आगे, अभी आगे 25-30 किलोमीटर बाद एक स्टॉप आने वाला है, तो वहाँ पर रिफ़िल कराएंगे और फिर आपको मैं बताता हूँ एग्जैक्ट माइलेज क्या निकल के आता है। दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ यार हालात अभी क्या है, आप ये देखिए, आप ये देखो यार कितना खेतों में पानी भर गया है पूरा, भाई लबालब हो गया है खेत, और अभी बारिश यहाँ पे मैं बोलूँगा कि बंद हो गई है, आपको दिख रहा होगा हल्की हल्की हो रही है बट हमारे हिसाब से बंद हो गई है, बिकॉज इसके पहले भी बहुत भयानक बारिश हो रही थी, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी, और इसीलिए गाड़ी का माइलेज भी आप देखिए तो काफ़ी कम हो गया है, 17.6 का माइलेज है, 293 किलोमीटर लोग चल चुके हैं, 12:07 अभी हो रहा है, तो 4 घंटे हो गए हमें गाजियाबाद से चले हुए, तो बहुत ज़्यादा बारिश है, तो आज तो यार माइलेज ठीक इसका निकल के नहीं आएगा, बट जो भी है इस सिचुएशन में क्या माइलेज निकल के आता भी आपको बता दूंगा। बारिश में अगर आप हाईवे चलते हो तो क्या माइलेज गाड़ी देती है, तो आप उस चीज़ का मतलब आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा, बाकी रियल लाइफ में इससे एटलीस्ट 2 किलोमीटर का पर लीटर का ज़्यादा माइलेज निकलता है जो मैंने अभी तक ट्राई किया इस गाड़ी से। फिलहाल एक चीज़ मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा कि यार जो एक्सप्रेसवे है ना यमुना एक्सप्रेसवे काफ़ी अच्छा है आगरा तक, लेकिन आगरा से लखनऊ वाला जो एक्सप्रेसवे है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आप खुद देखो पूरे रोड में यार यहाँ पर गड्ढे हो रखे हैं, जगह जगह पर देखो रोड टूटी हुई है ऐसे, तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हालत है यार, और पूरा ऐसे है मतलब यहाँ नहीं पूरा एक्सप्रेसवे टूटा हुआ है कंटिन्यूस, कहीं पर भी सही नहीं है यार, ये बहुत ही गड़बड़ चीज़ है, इतना ज़्यादा टोल लोग हमसे चार्ज करते हैं और अगर इस तरह की रोड मिल रही है हमें तो बहुत ही बेकार चीज़ है, क्योंकि रोज़ ऐसी बारिश नहीं होती है, बीच बीच में बारिश तेज़ होती है, अदरवाइज़ तो मौसम खुला रहता है, तो इनको रिपेयर करते रहना चाहिए। आई डोंट नो इतना ज़्यादा गड्ढे क्यों हैं कैसे हैं, क्योंकि पहली बार इतने ज़्यादा गड्ढे इस रोड पर देख रहा हूँ, अभी तक मैंने इतने गड्ढे कभी नहीं देखे थे। तो चलो बढ़ते हैं आगे यार, रुकते हैं सीधा स्टॉप पे, पेट्रोल रिफिल कराते हैं, फिर आपको मैं वहाँ पे बताता हूँ कि इस सिचुएशन में हाईवे पे क्या माइलेज हमारी टाटा पंच ने दिया है। विदेशी एसी अपनी ऑन है, क्योंकि एसी अगर बंद कर देंगे तो अंदर फॉग बॉक्स हो जाएगा,
तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों सामने आ गई है पेट्रोल पंप, तो यहाँ पे चलते हैं और पेट्रोल रिफिल कराते हैं। बाकी आप एक बार देखिए तो अभी अपना 330 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, 17.4 का माइलेज दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पेट्रोल हम लोग फुल करवा रहे हैं, अभी देखते हैं कितना आता है। हो गया जी, छोड़ दो रहने दो। दोस्तों 20 लीटर आ गया है। दोस्तों आपने देखा कि 20 लीटर टोटल पेट्रोल आया और गाड़ी अपनी चली है 330। तो अगर मैं 330 को 20 से डिवाइड करूं तो 16.5 का अप्रॉक्स माइलेज निकल के आता है। तो 16.5 का माइलेज आज गाड़ी ने दिया है, जबकि MID पे आप लोग देख सकते हो कि 17.4 का माइलेज यहाँ पे भी दिखा रहा है। तो दोस्तों आज का माइलेज काफ़ी कम निकला है, 16.5 का माइलेज तो ऑब्वियसली नहीं देती है, ये आराम से मुझे 18 का माइलेज हाईवे पे देती है, कम से कम 1.5 किलोमीटर का माइलेज मुझे एक्स्ट्रा मिलता। लेकिन जैसा कि मैंने आपको माहौल दिखाया अभी बारिश का, इतनी भयंकर बारिश हमें रास्ते में मिली है पिछले 4 घंटे में, अभी जाके बारिश बंद हुई है। तो बारिश की वजह से गाड़ी की स्पीड भी कम थी, गड्ढे वगैरह थे, तो अलग अलग तरीके से गाड़ी की नो परफॉर्मेंस में डेफिनेटली उसका फ़र्क पड़ता है, इसलिए माइलेज 16.5 का निकल के आया है। अदरवाइज़ ये गाड़ी अगर मैं नॉर्मल वेदर में चलाता तो आराम से मुझे 18 का माइलेज निकाल के दे देती, 18 नहीं तो 17.5 से 18 के बीच में तो आ ही जाता बिना किसी प्रॉब्लम के। बट इस सिनेरियो में अगर आप टाटा पंच को हाईवे पे लेके निकलते हो, लॉन्ग टूर पे लेके निकलते हो, तो आपको 16.5 का माइलेज आपको मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इसके बाद अब ज़्यादा आपके लिए दिखाने के लिए कुछ है नहीं, सीधा सीधा हाईवे है और मैं घर पहुंच जाऊंगा शाम तक। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं, बिकॉज ये बेसिकली टैंक टू टैंक का माइलेज का टेस्ट था, तो आपको वो क्लैरिटी मुझे देनी थी कि बारिश में कितना माइलेज देती है, अगर बारिश कंटिन्यूस बारिश में एकदम बिल्कुल हैवी रेन में अगर आपकी गाड़ी चल रही है हाईवे पे तो मानसून में। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।